हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टेल यू गाइस, माय नेम इज मिस्टर रोहित वर्मा और आज से मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास टेंथ की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या? लाइफ प्रोसेस। जिसको हिंदी में बोला जाता है बाबू जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि यह जो चैप्टर का टॉपिक है इसका मतलब क्या होता है। एक ओवरव्यू हल्का सा हम ले लेते हैं कि इसमें हमें किसके बारे में पढ़ाई करना है। देखो बाबू, सबसे पहले आपका आता है जैव। क्या आता है? जैव आता है, ठीक है। जैव का मतलब होता है जीवन। क्या होगा? जीवन। और आप लोग ये मुझे बताएं कि जीवन किस में होता है? तो सजीव में होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किस में होता है? सजीवों में होता है। और दूसरा है हमारा प्रक्रम। क्या बाबू? प्रक्रम। प्रक्रम का मतलब होता है विकास करना। क्या? विकास करना। तो इससे हमें पता लगता है कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कि सजीवों का विकास किस तरह से होता है। सजीवों का विकास करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है, उनके शरीर के अंदर कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं चलती है, उसी को हम लोग प्रक्रम बोलते हैं। प्रक्रम को इस तरह से बोल सकते हैं कि एक कार्य या क्रियाकलाप। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम समझते हैं जीवन के बारे में, कि जीवन का मतलब क्या होता है। ओके, देखो बाबू, जीवन का शाब्दिक अर्थ होता है, हम मैं यहां पे लिख रहा हूं, जीवन का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सजीवों तथा निर्जीवों में अंतर स्पष्ट करना, निर्जीवों में अंतर स्पष्ट करना। क्लियरिटी है? जीवन का मतलब यही होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो जो सजीव अथवा निर्जीव के बीच में अंतर स्पष्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले कि सजीव किसे कहते हैं। क्या सजीव? आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो कि जिसमें जान होता है उसे सजीव कहते हैं, लेकिन अब थोड़ा हम लोग टेंथ क्लास में पहुंच गए तो थोड़ा एडवांस से जाने कि रियलिटी में सजीव का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिसमें जान होती है, जिसमें जान होती है उसके अलावा जिसमें वृद्धि होती है। क्या बाबू? वृद्धि होती है तथा पोषण होता है। वृद्धि होती है तथा पोषण लेते हैं तथा श्वसन होता है तथा परिसंचरण होता है। ओके, तथा परिसंचरण होता है तथा क्या होता है? उत्सर्जन होता है और जनन होता है। क्या बाबू? जनन
है उससे ही क्या कहेंगे, उसे सजीव कहते हैं। यहाँ तक क्लियरिटी है। मेरा बताने का मोटिव क्या है कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जिसमें जान होती है उसे सजीव वस्तु कहते हैं बाबू, लेकिन अब थोड़ा एडवांस बनने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा वो जानेंगे कि बताओ, जान होगा, अगर उसमें जान होगा तो उसके अंदर वृद्धि भी होगी। आप लोग देखे होंगे ना कि जो बच्चा पैदा होता है तो वह तो जिंदा ही होता है ना, सजीव ही होता है, तो वह क्या करता है, ग्रोथ करता है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती है। क्या होता है बाबू, वृद्धि होती है। जब छोटा बच्चा कोई जन्म लेता है तो वह छोटा सा होता है और धीरे धीरे करते 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 कितना बड़ा हो जाता है, इसको वृद्धि होती है। तथा उसको विकास करने के लिए, क्या ग्रोथ करने के लिए पोषण की जरूरत पड़ेगी ना, तो वह क्या करता है, पोषण को लेते हैं। पोषण हमें कहाँ से मिलता है, तो खाना खाने से मिलता है। यह बात क्लियर है। उसके अलावा श्वसन भी होता है। बताओ क्या निर्जीव वस्तु में श्वसन होता है? नहीं ना। क्या जो मरा हुआ इंसान उसमें श्वसन होता है? नहीं। जब भी श्वसन होगा तो किस में होगा, एक जिंदा व्यक्ति के अंदर ही होगा। क्लियरिटी है। अब देखो परिसंचरण होता है। परिसंचरण कहने का सेंस है कि जो हम एनर्जी अपने अंदर ग्रहण किए हैं, जो पोषक तत्व को हमने अपने अंदर ग्रहण किया है, उसको हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाने का भी तो काम होता है ना, तो वह कौन करता है, परिसंचरण करता है। तो आप क्या मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि निर्जीव में यह क्रिया होता है? बिल्कुल नहीं होता है। उसके अलावा उत्सर्जन, उत्सर्जन कहने का सेंस है कि जो हमने पोषण को ग्रहण कर लिया, जो हमने खाना खा लिया, अब देखो यहाँ पे जो भी पोषक तत्व होता है उसको हम अपने शरीर के अंदर क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। लेकिन कुछ उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी तो होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियरिटी है। मे बी यह समझ में आ गया होगा कि जीवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जीवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो सजीव अथवा निर्जीव में अंतर स्पष्ट करता है। क्लियरिटी है। अब देखो सजीव का डिफिनेशन देखने के बाद ऑटोमेटिक पता लग गया हो कि निर्जीव किसे कहते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। क्लियरिटी है। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम डायरेक्ट आते हैं जैव प्रक्रम का परिभाषा के ऊपर कि सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि जैव का मतलब क्या होता है, जीवन, और जीवन किस में होता है, सजीव में। अब प्रक्रम का मतलब क्या होता है, विकास। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का विकास होता है, सजीवों का विकास होता है, विकास होता है, उसे कहते हैं जैव प्रकटन। क्या कहेंगे, उसे जैव प्रक्रम कहेंगे। क्लियर है? मैंने पहले ही बता दिया था है ना कि जैव किसे कहते हैं और प्रक्रम किसे कहते हैं। एक प्यारा सा डिफिनेशन हो गया हमारा कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का विकास होता है उसे क्या कहेंगे, हम लोग जैव प्रक्रम कहेंगे। यहां तक क्लियरिटी है। अब देखो बाबू जीवन का विकास कैसे कैसे होगा। जीवन का विकास करने का सेंस है कि जो हमारा शरीर है वह किस तरह से ग्रोथ करेगा। देखो सबसे पहले विकास करने के लिए हम लोग किसको ग्रहण करेंगे, पोषण को ग्रहण करेंगे है ना, पोषण को न्यूट्रिएंट्स में बोला जाता है। सेकंड, अब मुझे ये बताओ, पोषण को तो अपने अंदर ग्रहण कर लिया, पोषण हमें कहाँ से मिलता है, खाना खाने से मिलता है, ठीक है। अब जो खाना खाते हो उसको तोड़ना भी तो है ना, कि डायरेक्ट निकल जाते हो, नहीं ना, तो उसके तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्वसन करेंगे है ना, श्वसन करेंगे। यहाँ तक क्लियरिटी है। थर्ड आता है, अब मान लो कि हमने क्या कर लिया, खाना भी खा लिया और उसको हम लोगों ने तोड़ भी लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि जो खाना हमने खाया है उसको हमारे शरीर के हर एक
कोशिकाओं तक, हर एक उत्तक तक पहुंचाना भी तो है ना। तो खाना को एक जगह से दूसरा जगह जो पहुंचाने का काम करेगा उसे बोलेंगे परिवहन या परिसंचरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिसंचरण। और यह किसके द्वारा होता है? तो यह रक्त के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह कोई भी हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व है वह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा परिसंचरण हो गया। अब हमारा फोर्थ आता है, देखो परिसंचरण भी हमने कर लिया, अब हमने जो खाना खाया है बाबू, क्या जो हमने खाना खाया उसको हम पचाएंगे भी तो ना, क्या करेंगे? पचाएंगे। तो उसको पचाने के लिए हम यहाँ आप लिख सकते हैं पाचन भी होगा। क्या होगा? पाचन भी होगा। अब उसके बाद ये बताओ, मैंने बताया था कि ठीक है भाई हमने खाना खा लिया, हमें पोषक तत्व भी मिल गया, उसमें जो खाना खाया उससे पोषक तत्व की मतलब मुझे मिल गया। अब उस पोषक तत्व के अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर भी तो निकालना है ना, तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहलाती है उत्सर्जन। क्या बाबू? उत्सर्जन। क्लैरिटी यहाँ तक बात। अब देखो हमारे सजीवों का विकास करने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? पोषण की ज़रूरत होती है। फिर किसकी ज़रूरत होती है? श्वसन की ज़रूरत होती है। फिर किसकी ज़रूरत होती है? परिसंचरण की ज़रूरत होती है। उसके बाद किसकी ज़रूरत होती है? पाचन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद उत्सर्जन की ज़रूरत होती है। क्लियरिटी यहाँ तक, यह बात समझ में आ रहा है? चलो अब हम यही समझेंगे, सबके बारे में बिल्कुल बारीकी से समझेंगे कि कैसे कैसे किस तरह से विकास होता है। ओके चलिए शुरू करते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमारा शरीर का विकास करने में जो सबसे पहली बात थी वह क्या था? पोषण। क्या था? पोषण है ना, यही थी ना, न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि पोषण किसे कहते हैं बाबू? देखो मैं आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ एक आसान भाषा में कि देखो किसी भी काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो कि आप लोगों को साइकिल चलाना है, ठीक है, अब साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी ना, कि बिना ऊर्जा का ही काम चलेगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती है, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं हुई रहती है, तो उस उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की जो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। क्लैरिटी है? चलिए इसके बारे में लिखते हैं कि हमारे शरीर के हमारे शरीर के सॉरी हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसकी जरूरत पड़ती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। मे भी यह बात क्लियरिटी हो गया होगा कि पोषण किसे कहते हैं? हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पोषण को ग्रहण करना पड़ेगा। और पोषण को कैसे ग्रहण करेंगे? तो जब हम कोई खाना खाएंगे उसके बाद। ठीक है, यह समझ में क्लियरिटी है? तो अब देखो बाबू, मैंने बताया कि जैव का मतलब होता है जीवन, ठीक है, और जीवन का मतलब होता है, जीवन किस में होता है? तो सजीव में होता है। तो आप लोगों को पता होगा, थोड़ा डाउट होगा कि जीवन तो पेड़ पौधे में भी होता है ना, पेड़ पौधे भी तो एक तरह के सजीव वस्तु ही है ना, है कि नहीं? तो हम लोग इसमें केवल इंसान के बारे में नहीं, मानव के बारे में ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे के बारे में भी जानेंगे कि पेड़ पौधे में भी कैसे कौन कौन सी क्रियाएं किस तरह से होती है। क्लियरिटी है बाबू? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पेड़ पौधे में, क्या? पेड़ पौधे में पोषण के बारे में। ठीक है, चलिए मिटाना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो आप सभी लोगों को पता हो कि पेड़ पौधे अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे अपना एनर्जी बनाते हैं, कैसे अपना ऊर्जा बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो हम वो भी समझेंगे कि सनलाइट की सहायता से कैसे वह ऊर्जा का निर्माण करते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि देखो जब पोषण होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्वपोषी तथा दूसरा होता है परपोषी, है ना। एक होता है स्वपोषी और दूसरा हमारा क्या होता है बाबू, परपोषी होता है। यह क्लियरिटी यहां तक। अब देखो स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी किसे कहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सब का मतलब क्या होता है, स्वयं। सब का मतलब क्या होगा, स्वयं। तो जो वैसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या फिर पेड़ पौधे छोड़ो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग ले लो इनको, हरे पेड़ पौधे, क्या बाबू, हरे पेड़ पौधे। अब बताओ जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं ना, तो वह एक स्वपोषी हो गए। और अगर परपोषी की बात करें तो परपोषी का एकमात्र क्या, हम लोग जो मानव होते हैं, परपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा मानव। परपोषी कहने का सेंस है कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्या, जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। जैसे देखो इंसान होता है, अब आप लोग देखो क्या, इंसान जो अपना भोजन होता है स्वयं बनाता है ना, हम किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे हम कोई सब्जी को खाते हैं तो सबसे पहले सब्जी खेत में उगाएंगे तभी उसको हम सब्जी खा पाएंगे ना, तो क्या सब्जी खुद सॉरी सब्जी क्या हुआ, सब्जी भी हम निर्भर है, हमें सब्जी खाने का मन है। तो मान लो कि हमें मुर्गा खाने का मन है भाई, तो मुर्गा खाने का मन है तो हम मुर्गा को दुकान से लाएंगे तभी ना, तो क्या कि मुर्गा ऐसे खा लेंगे नहीं ना, तो क्या हम किसी दूसरे पर निर्भर है। अगर हमें कुछ भी खाने का मन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट से सबसे पहले उस चीज़ को लाते हैं, तब हम क्या करते हैं, खाते हैं। तो हुआ ना कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, परपोषी कहते हैं। यह बात क्लियरिटी है पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया स्वपोषी के बारे में कि स्वपोषी का एग्जाम्पल क्या हो गया, हरे पेड़ पौधे। तो चलिए जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें वह किस तरह से भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, ठीक है ना। तो चलिए जानते सबसे पहले हरे पेड़ पौधे के बारे में। देखो हेडिंग देना है और ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे बाबू, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां तक क्लियरिटी। देखो यहां पे कोई मैं लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं एक इक्वेशन बताऊंगा, एक समीकरण बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग खुद इसका परिभाषा दे पाओगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में किस तरह से होती है। ठीक है, चलो यार टॉपिक दे लिया, चलिए अब इसको थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मिटा दिया जाए। देखो इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन याद रखना कि सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, क्या बाबू, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह 6 डिब्बा CO2, क्या 6 डिब्बा CO2 कहाँ से मांगते हैं, 6 डिब्बा CO2 या वायुमंडल से लेते हैं,
वायुमंडल से तथा 6 डिब्बा ऑक्सीजन, क्या बाबू, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, 6 डिब्बा H2O यानी कि पानी कहाँ से लेते हैं, जड़ से लेते हैं, कहाँ से लेंगे, जड़ से लेंगे, तथा तथा क्या, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, हम यहां पर लिख देते सूर्य की प्रकाश में लेकर सनलाइट की उपस्थिति में, सन लाइट की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 C6H12O6। क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर से मुक्त करते हैं। बताओ हो गया ना इसी इक्वेशन से काम। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन हमेशा पूछ दिया जाता है, इसलिए इस इक्वेशन समीकरण को याद रखोगे। सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वायुमंडल से CO2 को लेते हैं तथा जड़ से या फिर इसको भूमि भी बोल सकते हो, भूमि से H2O तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्या क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल एक तरह का हमारा होता है जिसे बोलेंगे सैप भी बोल सकते हो। सैप का काम क्या होता है, खाना बनाना, ठीक है ना जी। तो देखो सैप की सहायता से यानी क्लोरोफिल की सहायता से किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। अब मुझे बताओ सैप को खाना बनाना है तो खाना बनाने के लिए उसको सबसे पहले आग जलाने की जरूरत पड़ेगी ना, ऊर्जा जलाने की, मतलब आग जलाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो वह किसकी सहायता से बनाएंगे, सनलाइट की सहायता से, किसकी सहायता से, सनलाइट की सहायता से। और किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब सैप ने सनलाइट की सहायता से खाना बना लिया और खाना जो हमारा नया मटेरियल बन के तैयार हुआ वह क्या हुआ, ग्लूकोज। तथा आप सभी लोगों को पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वह पेड़ पौधे अपने अंदर से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। क्लियरिटी यहाँ तक पक्का। चलिए अब इसका एक परिभाषा मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे, क्या बाबू, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से CO2 तथा इक्वेशन को ध्यान दो, भूमि से जल को ग्रहण करते हैं, भूमि से जल को ग्रहण करते हैं, डन करते हैं, तथा सैप की सहायता से, सैप हमारा क्या है, क्लोरोफिल की सहायता से, यहां पे मैं लिख देता हूं, तथा क्लोरोफिल की सहायता से किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ग्लूकोज का
निर्माण करते हैं, तथा CO2 सॉरी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। O2 मैं यहां लिख देता हूं, O2 को मुक्त करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। दिखने में लग रहा हो कितना बड़ा डिफिनेशन है, डिफिनेशन को याद करने का मैंने तरीका बता दिया कि बस क्या करना है, इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, इक्वेशन याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये जानो कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है वह किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है। ठीक है, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और कितना डब्बा CO2 को लेते हैं, 6 डब्बा CO2 को लेते हैं, तथा भूमि से क्या लेते हैं, H2O यानी कि जल को लेते हैं, और कितना जल को लेते हैं, तो 6 डिब्बा जल को लेते हैं, और किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तथा ऑक्सीजन को अपने अंदर से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्लियरिटी है, डन, मे बी यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आगे और हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो हम लोग बिल्कुल बारीकी से समझेंगे धीरे धीरे कर करके। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।